माई नेम इज सहान बागवान एंड आई एम फ्रॉम हिलपाक इंटरनेशनल स्कूल। जी ये हमारे जो कश्मीर है उसके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर अब डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर जो कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते थे, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन होते थे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर नई नई चीज़ें जो है ना आ रही है तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा साल जो है ना घर पर ही बैठना पड़ा। इसकी वजह से हम जो बेसिक नॉलेज थी, जो बेसिक एजुकेशन थी वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उसके बाद आज हम देखते हैं कि हालात अब धीरे धीरे जो है ना बेहतर हो रहे होते जा रहे हैं और हम काफ़ी खुश हैं। तो आप क्या कहते हैं? तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या होती है, अवेयरनेस पैदा होती है कि नहीं हमारा हम कुछ हो रहा है, कोई डे सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, कल काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ काफ़ी रैलीज निकल रही थी, आज काफ़ी स्कूल्स जो है ना वो यहाँ पर आए, उन्होंने शिरकत की। इसमें अच्छा लगता है ऐसे मिल जुल के कोई काम करने में। हाँ जी हाँ, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है पोल्यूशन कम होता है। ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हमें चाहिए कि हम आसपास सफाई रखें, पॉलीथीन को ज़्यादा यूज़ ना करें ताकि जो हमारा कश्मीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते रहे और हमारा जो नेशन है वो भी तरक्की करता रहे। गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें बाज़ाब्ता सर्कुलर्स आए हैं, उसके तहत यहाँ भी तिरंगा रैली हुई जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बिलखसूस हमारे बच्चे, स्कूली बच्चे, और उसमें एक प्लेज भी हमने ले लिया, एक वादा किया अपने साथ कम्युनिटी के साथ कि हम सफाई रखेंगे, क्लीननेस को अहमियत देंगे, 100 लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएंगे। इसके माने वही है कि हम इरादा करते हैं, रिट्रीट करते हैं एक मैसेज को कि मुल्क को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पाक साफ बनाना है। हाँ, स्वच्छता पखवाड़ा चूँकि जारी है, 15th को इसका वो हो जाएगा, तब तक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो होती रहेगी। उसके सिलसिले में ये एक बात थी जहाँ आपने देखा कि बच्चों ने जोश खरोश से इसमें हिस्सा लिया और वो चाहते हैं कि जो बदलते हुए हालात हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और जो तरक्की की तरफ है उनके कदम बढ़ते हैं। बस कुछ रिक्वेस्ट है आप सबसे, दिल लगा के पढ़ें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, बिकॉज जब आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो तरक्की आपके कदम छुएगी। और इसके बाद जब हम यहाँ से तो जब हम वहाँ से मूव करेंगे, जहाँ से भी मूव करेंगे, तो हायर सेकेंडरी से होते हुए चौक से सीधा हम मागम वाला रोड लेंगे और मागम वाले रोड पे टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स नीचे उतरेंगे, विल नॉट टेक यू फार अवे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स से वापस राइट हो जाएंगे ताकि चौक से होते हुए वापस यहाँ आएंगे। मैं आप सबसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप सब काफ़ी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके 15 अगस्त के प्रोग्रामों में अच्छे से रिहर्सल करें, एक अच्छा प्रोग्राम तैयार लगे, प्रिंसिपल जो है वह बहुत जरूरी है, एक बार मान सा
बैठा 10 रुपये 10 रुपये।